आज मैं बनाऊंगी सूप, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेस्टोरेंट स्टाइल। चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए 1 केजी टमाटर लिया, 1 रूट बीट, 1 प्याज, 2 गाजर। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सभी सब सब्जियों का अच्छे से धो लिया है और यहाँ पे रफली चॉप कर लेंगे प्याज, टमाटर, गाजर और चुकंदर। टमाटर को भी मोटे मोटे काट लेंगे। फिर गैस पे कुकर गरम करने के लिए रख दिया है। गाजर को भी रफली चॉप कर लेंगे। अब 1 चम्मच घी डालेंगे, 1 चम्मच बटर। मेल्ट हो जाएगा तब इसमें 1 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 2 तेज पत्ता डाल देंगे। इसको ब्राउन होने तक भून लेंगे। तब इसमें प्याज डाल देंगे, इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें। अब इसमें सारी सब्जियों, कटी हुई सब्जियों को डाल देंगे। टमाटर भी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। 1 कटोरी यहाँ पे पानी डालेंगे और 1 चम्मच नमक। कुकर का ढक्कन बंद करके हाई फ्लेम पे 1 सीटी लगाएंगे, मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 सीटी आने तक पकाएंगे। ये टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं ठंडा करके, पर मैं यहाँ पे ग्राइंड नहीं करूँगी, मैं सर से मैश कर छान लूँगी। छन्नी में से छान लें बस, और फिर से इसको उबाल लें। इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेके उसको पानी डालकर मिलाकर फिर चलाते हुए इसमें सूप में डाल दें। उबाल आने तक इसको पकाएंगे। यहाँ पे 1 चम्मच चीनी डालेंगे, 1 चम्मच नमक। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। सभी चीज़ों को मिलाकर 5 मिनट तक उबाल लेंगे। अब ब्रेड चंक्स बना लेते हैं। ब्रेड लेके इसको साइड का निकाल लें, काट के हटा दें। बीच का स्क्वायर शेप में काट लें इसी तरह।
इसी तरह दूसरा ब्रेड भी काट लेंगे और एक पैन में पैन गरम करके उसमें ऑयल डालेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन सूप में इसको देने से बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चे बहुत पसंद से पीते हैं। ब्रेड चंक्स रेडी है, इसी तरह दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। चलिए सूप शुरू कर लेते हैं। ये सूप बहुत ही टेस्टी है, बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। आप भी एक बार इस तरह से बना के देखिएगा। वो एकदम टेस्ट रेस्टोरेंट स्टाइल ही आ रहा है। अब इसमें चंक्स डालेंगे, आप चाहें तो क्रीम डाल सकते हैं, घर का मलाई लेके उसे भी फेंट के डाल सकते हैं। मैंने घर का ही मलाई एक कप में फेंट के डाला है, बहुत ही टेस्टी है, लाजवाब टेस्ट है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा।